वेलकम टू माय चैनल आर्टिस्ट सुशील। तो आज हम फिर से एक नए लैंडस्केप के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो मैंने एक ये सीरीज शुरू किया है इजी लैंडस्केप पेंटिंग। तो ये जो शुरुआती आर्टिस्ट हैं हमारे स्टूडेंट्स, उनके लिए ज़्यादा मायने रखती है। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पर्शियन ब्लू कलर लेना है कैनवस या शीट के ऊपर अप्लाई कर देना है। इसमें हल्का सा पानी मिक्स करके पर्शियन ब्लू ऊपर की तरफ मिक्स करना है और उसके बाद नीचे की तरफ सेंटर में हमें थोड़ी सी वाइट जगह छोड़ देनी है। इसलिए जो कलर है पूरी स्ट्रेंथ के साथ लेना है आपने। सेंटर में वाइट जगह छोड़ दिया, वहाँ पर हमने ब्रश को साफ करके हल्का सा पानी लगा के इनको आपस में ब्लेंड कर देना है और मिक्स कर देना है इनको, यानी कि इसको मिक्स कर देना है। कोशिश करना है कि इसकी आउटलाइन ना दिखाई दे। इसके बाद हमने फैन ब्रश लेना है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। तो ये मार्केट में अवेलेबल होता है और इसमें हमने ग्रीन कलर लेना है। सैप ग्रीन ले सकते हैं, तो अगर सैप ग्रीन नहीं है तो ग्रीन कलर में हल्का सा येलो मिक्स कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई सा ग्रीन ले और उसको सेंटर लाइन ले लें एक, फिर फैन ब्रश को ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स लगाएं। इसमें याद रखना है कि बाहर की तरफ जो ग्रास है वो बड़ी बनेगी, जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे तो वो शीट की सेंटर की तरफ, तो वहाँ पर ग्रास छोटी होती जाएगी। ग्रास की रिफ्लेक्शन दिखानी है इसलिए हमने ये स्ट्रोक्स लगाने हैं। इसके बाद हमने वाइट कलर लेना है छोटे ब्रश के साथ, फ्लैट कलर लेना है और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। आप चाहें तो पहले पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद उसी ब्रश में जो वाइट कलर लगाया उसके साथ हल्के हल्के क्लाउड पेंट कर रहे हैं हमने। हल्के हाथ से आपने इसके ब्रश को चलाना है, ज़्यादा ब्रश को दबाना नहीं है। और अभी क्लाउड कहीं भी ऊपर नीचे जहाँ आपको ठीक लग रहा है, पर यह है कि आपको ठीक लगना चाहिए। उसके बाद हमने पानी में रिफ्लेक्शन दिखानी है, तो वाइट कलर की वहाँ से हमने उसकी सन बनाया उसके बिल्कुल ठीक नीचे से, वहाँ पर हमने थिक कलर लगाएंगे और साइड पर लाइट कलर लगाएंगे। इतना जल्दी नहीं है क्योंकि यहाँ तो हमने थोड़ी स्पीड बढ़ा के वीडियो बनाया होता है, पर फिर भी हमें मुझे ये लैंडस्केप बनाने में लगभग 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। और मैंने इसको थोड़ा कट करके यही 10-11 मिनट तक दिखाया होता है, क्योंकि बड़ा वीडियो अपलोड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे पानी में हल्के हल्के ब्रश को, खाली ब्रश को साफ करके चलाना है हमें, जिससे पानी की रिफ्लेक्शन आ जाएगी।
ब्राउन, मतलब आप समझ लो कि 90% हमें ब्राउन लेना है और 5% ब्लैक और ब्लू, और उसको ऐसे लगा देना है। इसके बाद उसी कलर से हमने एक ट्री ड्रॉ करना है। इसके लिए चाहे तो आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इतना एक्सपीरियंस नहीं तो पहले पेंसिल के साथ उसको ड्रॉ करो तो फिर उसको कलर को अप्लाई करो, क्योंकि अगर वहाँ पे कलर इधर उधर गिर गया या गलत लग जाए तो आपके लिए आपका काम बढ़ जाएगा, या लैंडस्केप ख़राब भी हो सकता है। तो ऐसे ये राउंड ब्रश के साथ इसकी ब्रांचेज बनानी है। राउंड ब्रश आप 3 या 5 नंबर का यूज कर सकते हैं। आपने ध्यान रखना है कि सोर्स ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, नीचे की तरफ भी फैन ब्रश को ऐसे ही खड़ा रख के उसको ऐसे स्ट्रोक्स लगा देने हैं। शुरू में थोड़े गलत भी लगे हैं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे हमने जो ट्री की है हाईलाइट दिखानी है, जो पानी में उसकी रिफ्लेक्शन है वो भी दिखाएंगे पहले। अब ये जो ट्री में जो मून की लाइट पड़ रही है, उसकी रिफ्लेक्शन पड़ रही है, तो आपको सोर्स ऑफ लाइट देखना है। जिस तरफ से मून की लाइट आ रहा है उस तरफ ही हमने वाइट कलर या वाइट में हल्का सा ब्राउन या हल्का सा ब्लू मिक्स करके लगा देना है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि सोर्स ऑफ लाइट लाइट किस तरफ से आ रही है। जैसे मून हमारे दाईं तरफ है तो लाइट जो पेड़ पर हाई लाइट आएगी वो भी दाईं तरफ ही आएगी। साफ़ करके वो लगाना है, हल्का सा ग्रीन और येलो भी आप लगा सकते हो, और उसी ग्रीन और येलो के आपने जो वाइट ग्रास है उसके ऊपर वो ब्रश अप्लाई करना है, थोड़ा उसको ब्लर करने के लिए, क्योंकि जो दूर का सीन होता है वो थोड़ा ब्लर होता है, इससे कलर परस्पेक्टिव आता है। एक लैंडस्केप में तो परस्पेक्टिव बड़ा ज़रूरी है। उसको ब्रश को फिर साफ़ करना है तो हल्का सा पानी लगा के जहाँ जहाँ आपको मिक्स करना है कलर को उसके ऊपर अप्लाई करो, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हल्की हल्की रिफ्लेक्शन या हाईलाइट देनी है तो आप वहाँ पर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने बनाया आप वैसे ही करना है, ज़्यादा कुछ काम नहीं करने के लिए, जितना आपको समझ में आए उतना ही करो। जैसे जैसे मैंने बताया आप करते जाइए तो लैंडस्केप रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमने एक बोर्ड ड्रा करनी है, आप इसमें पहले पेंसिल यूज़ कर लें, उसमें आप चाहे जितने मर्जी आदमी बिठा दें। मैंने एक बोर्ड चलाने वाला उसको बनाया, उसके साथ 2 आदमी और ऐड करने तो हमारा जो पेंटिंग का सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट हमारा ये बोर्ड हो गया है, इससे थोड़ा अच्छा लग रहा है लैंडस्केप बोर्ड भी। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2-3 बर्ड ड्रॉ किए, वैसे तो रात का सीन है इसमें ना ही ड्रॉ करें तो कोई बात नहीं, पर मैंने चलो कर ली है। तो इसको बाद हमने बोट और जो बर्ड है उसको थोड़ा हाईलाइट कर देना है जो मून की लाइट है उसके साथ। तो ये लगभग हमारा लैंडस्केप तैयार हो गया है। तो सिंपल तरीके से हमें लैंडस्केप बनाना है। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके
कर सकते हो, किस तरह की आपको पेंटिंग चाहिए वो भी बता सकते हो। तो ये लगभग हमारा लैंडस्केप कंप्लीट है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक।